तो जनाबे हाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है दास्तान गोई की इस महफिल में। हर जिंदगी अपने आप में एक कहानी कहती है। हमारे आसपास के इंसान के जिंदगी में भी कोई ना कोई दिलचस्प कहानी जरूर होती है। कोई गुमनाम होती है तो कोई मशहूर। यही वजह है कि सभ्यता की शुरुआत से वर्तमान युग तक कहानियों की बादशाहत कायम है। हर वक्त हर तहजीब में कहानियों का वजूद रहा है। पुराण, पंचतंत्र और जातक कथाओं जैसे अनगिनत किस्से कहानियां हिंदुस्तान में न सिर्फ मौजूद है बल्कि महलों से चौपालों तक उनको सुनाने वाले कलाकार भी रहे हैं। मध्यकाल में इस परंपरा के साथ एक नाम और जुड़ा, दास्तान गोई। दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानों को बयां किया जाता है। दास्तानें यानी लंबे किस्से कहानियां, खासकर की ऐसे जो कई दिन कई रातों तक चले, जिनमें जंग का बयां, साहिरी यानी जादूगरों का बयां और शायरी, इन्हीं चीजों को मिलाकर दास्तानें बनती है। दास्तानें दुनिया में बहुत सी सुनाई गई पर उनमें सबसे मशहूर हुई दास्तान आमिर हमजा। इन दास्तानों में उनके सफर को बयां किया जाता है। ये दास्तानें पहले अरबी में सुनाई गई और फिर फारसी में, और फिर जब हिंदुस्तान जनता ईशान में तशरीफ लाई तभी ने उर्दू और हिंदी में सुनाने का सिलसिला आगे बढ़ा। हिंदुस्तान की जमीन में इस कला को बेहद इज्जत मिली। पुराने जमाने के बादशाहों के दरबारों में तो दास्तान गोई की महफिलें होती थी और अकबर बादशाह ने दास्तान गोई की बाकायदा चित्रकारी करवाई। मिर्जा गालिब और आमिर खुसरो खुद दास्तान गोई के दीवाने थे। अरे एक जमाना हुआ करता था जब दास्तान गो हर नुक्कड़ पर इकट्ठा हुआ करते थे। दास्तान गो मन जो कहानियां सुनाते थे। तो आइए दास्तान गोई की इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। बस आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपको कोई दास्तान पसंद आए तो तालियां ना बजाइए, बस वाह वाह कहकर आपकी खुशी हम तक पहुंचाइए। तो आइए अब हम कबीर जी की दास्तान ऋषिकेश की जुबानी